यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर 300 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो दिख रहा है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। वो कह रहे ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये गिवन है आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एज शोन। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसका, बी और ए का, सी और बी का, सी और ए का। एक ना रूल याद रखो, रूल ये है कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइंस जा रहे हैं, ऐसा जा रहा है, अगर आप कोई इमेजिनरी सरफेस यहां पर ड्रॉ करो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल, जो इसको परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी। वो क्यों, क्योंकि अगर ये सरफेस परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ क्या एंगल बनाती है, 90। तो पूरी सरफेस क्या मानी जाएगी, इक्विपोटेंशियल। क्लियर है यहां तक? या फिर ये भी रूल याद रखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आप एक लाइन ड्रॉ करते हो इसके परपेंडिकुलर लाइन सिर्फ, जो कि इस इन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, तो यहां पे ये पूरी लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। ऐसी लाइन को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन, क्योंकि रूल वही है, सरफेस की लाइन निकल आई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन के बीच में एंगल 90 है तो लाइन 100% क्या मानी जाएगी, इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ करूं बी से ए के बीच में क्रॉस कर रही है, तो ये बात तो पक्की है कि बी पॉइंट का और इसके हर पॉइंट का, ए पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। सिंपल है, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर अगर मैं सी और बी लूं, सी और बी में मुझे लगाना पड़ेगा ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस में चल रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं फॉर्मूला लगाता हूं, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। इस फॉर्मूले के अंदर डी वी क्या पुट करेंगे, अगर मैं बी से सी पे जा रहा हूं तो वी सी माइनस वी बी, तो क्या आएगा, वी सी माइनस वी बी। और डिस्टेंस में क्या पुट करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स सी का माइनस एक्स कोऑर्डिनेट बी का, माइनस थ्री माइनस फोर। फाइनल इनिशियल, फाइनल इनिशियल। इंपॉर्टेंट यह है कि जो ई की वैल्यू पुट करेंगे वो 300 नहीं पुट करेंगे, माइनस 300 पुट करेंगे, जबकि आज तक हमने ऐसा किया नहीं, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दिया, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो वो 300 है, पर अगर उल्टा हो गया तो माइनस 300 है। ये याद रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें माइनस साइन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव साइन पुट नहीं करते, पॉजिटिव पुट करते हैं 300, लेकिन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो माइनस 300 है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक। तो अब अगर मैं कहूं पोटेंशियल डिफरेंस सी और ए का निकालो, एक बात बताओ, सी और बी का, सी और ए के पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि ए और बी का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम है, तो आंसर विल रिमेन सेम, कोई फर्क ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट, इसका आंसर इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में तीन पॉइंट्स हैं, ई की वैल्यू आपको गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी का निकालना है। मुझे एक बात बताओ कि सी का और बी में फर्क तो है ही नहीं, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर ए और बी का निकालना है जो कि डी वी, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, एक्स एक्सिस है, तो अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो E की वैल्यू राइट की तरफ है, तो 5 × 10⁻³ इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी एक्स इज 4 सेंटीमीटर। यहां पुट कर मीटर में कन्वर्ट करके डीवी निकाले ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? तो एक्स एक्सिस में फॉर्मूला लगाओ आंसर। ठीक, कोई डाउट इसमें?
नेक्स्ट है, ये होमवर्क है, हमने ये पार्शियल डिफरेंशिएशन लास्ट टाइम की थी, वही सेम प्रॉब्लम है ये। ये मैंने बता दिया आपको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर मैं चार्ज को क्यू नॉट को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो वर्क डन जीरो आएगा और ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर होगा। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया। इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को करने की टेक्निक देखो। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, तो इस लाइन पे पोटेंशियल 30-30-30-30 वोल्ट होगा, इस लाइन पे 20-20-20-20 वोल्ट होगा, इस लाइन पे 10-10-10-10 वोल्ट होगा। तो इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं। तो अगर मैं ये पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ होगी, ऊपर की तरफ की नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल यहां पर जाते हुए क्या हो रहा है, डिक्रीज। जहां पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइंस के 90 डिग्री पे होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में ई की वैल्यू बतानी है। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप क्लियर है। तो मैंने लाइन्स ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, तो जो कि इसके साथ, इस इक्विपोटेंशियल लाइन के साथ एंगल क्या बना रही है, 90। देख रहे हो हर लाइन यहां पर एंगल क्या बना रही है, 90, ये 90, ये 90। ठीक है यहां तक? अब सपोज करो मैं दो पॉइंट लेता हूं, एक ये और एक ये, अब कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दो पॉइंट ले लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसे जा रहा है, इधर जा रहा है। और मान लो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं ऐसे, तो अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो ये बताओ कि ये dr वेक्टर हो जाएगा, ये E वेक्टर हो जाएगा। इस केस में E और dr एक लाइन में है ही नहीं, इस केस में E इधर जा रहा है, dr इधर जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है लाइन का, 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। तो E वेक्टर में और dr वेक्टर में टोटल एंगल क्या लिया, 120। कोई डाउट इसमें? तो एंगल इसमें कितना हो गया, 120। अब प्रॉब्लम यह है कि वैसे फॉर्मूला चलता है E इज माइनस dv बाय dr, पर यहां पर वो तब चलता है जब E और dr में एंगल जीरो होता है, क्योंकि E cos जीरो, cos जीरो क्या होता है, 1। और अगर एंगल E और dr में जीरो नहीं है, फिर फॉर्मूला मैंने करवाया था E cos थीटा इज माइनस dv बाय dr, और हमने एक्चुअल फॉर्मूला तो यही किया था। इसमें E और dr में एंगल जीरो है ही नहीं, 120 है, तो E cos 120 माइनस dv बाय dr। तो क्योंकि मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, 20, यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, 10। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल में क्या आएगा, 20 में से 10, राइट?
और डिस्टेंस में 20 में से 10, ये रहा। तो cos 120 माइनस हाफ है, सॉल्व करके E की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक जो भी हमने किया? तो इसके अंदर शीट नंबर कौन सी है? 24 में ठीक है। तो 24 में ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कैसे करनी है। ठीक, शीट नंबर 25 सर, इसमें अगर हम 10 माइनस 20 लेके करते तो हो जाता हाँ, तो भी उल्टा हो क्वेश्चन? जाता, हो जाता, हो जाता, हो जाता। ओके सर।